होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। यूं तो होली और रंग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रंग कैसे होली का इतना अहम हिस्सा है? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ रंगों की होली दास्तां। मैं आपको लेकर चलती हूँ राधा कृष्ण की उस नगरी में जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। जाता है कि होली को रंगों का त्योहार मनाना भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुआ है। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली मनाते थे और उसके बाद से होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेला करते थे। धीरे धीरे इस त्योहार ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया। यही वजह है कि आज भी वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है और अब दुनिया के सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से होली खेलते हैं और अपने अंदर की नफरत को खत्म करते हुए दोस्ती और भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली को लेकर एक मान्यता ये भी है कि होली एक वसंत का त्यौहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है और कुछ हिस्सों में वसंत उत्सव फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि होली के दिन लाल रंग बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? ये रंग ऊर्जा, प्रेम, सद्भाव, उत्साह और विजय का प्रतीक है। सोचिए, अगर जीवन में रंग ना हो तो क्या होगा? शायद सोचना भी मुश्किल है कि जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। ये भी माना जाता है कि रंगों को हमारे शरीर से ही नहीं बल्कि मनोस्थिति से भी गहरा रिश्ता है। अलग अलग तरह के रंग हमारे तन और मन पर अपना असर डालते हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा ये त्योहार हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली पर हमारी इस खास पेशकश पर अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको और आपके परिवार को टीवी 9 डिजिटल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।